अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन रान रोस्ट की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगेगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 बाउल जो है मैंने थिक योगर्ट ले लिया है। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के ले ली हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, 3 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट है, 1 टीस्पून फूड कलर है येलो वाला, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून मटन रोस्ट का मसाला, कोई किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून रेड चिली है और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। 4 to 5 जो है मैंने लेमन जूस का पेस्ट, फ्रेश लेमन जूस ले लिया है, और ये तकरीबन हमारे पास 3 किलो जो है रान है। तमाम मसाला जात को तैयार करने से पहले जो है आपने रान को अच्छे तरीके से धो के और इसको ड्राई कर लेना है। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी योगर्ट, उसके बाद जो है मैं ये सारे जो है हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं पपाया पाउडर भी डालूंगी, 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च और पपाया पाउडर, चाट मसाला फूड कलर, लेमन जूस और ऑयल। अब इनमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूंगी अच्छे तरीके से। तो मैंने ये देखें रान को डीप कट लगा दिए हैं और जो इसका इधर जॉइंट है इसको भी एक मैंने डीप कट लगाया है ताकि ये देखें सही तरीके से इसकी जो बोन है ये प्रेस हो जाए। तो अब मैं अच्छे तरीके से डालूंगी इसके ऊपर सारे जो है मसाले मैंने मिक्स कर किए हैं ये। और सारी जो मैंने इसके ऊपर मैरिनेशन डाल दी है तो अब हम अच्छे तरीके से इसका करेंगे मसाज, कार्ड के अंदर भी अच्छे तरीके से और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसका मसाज होना चाहिए। और ये देखें दूसरी साइड पे भी मैंने कट लगाए हुए हैं, दोनों साइड पे आपको डीप कट लगाने चाहिए। जी तो अब देखें बहुत अच्छे तरीके से हर जगह जो है इसका मैंने मसाला लगा दिया है मैरिनेशन का। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, एक बाउल में डाल के और जहाँ से ये देखें बेंड हो सके तो इसमें डाल के जिसमें मैंने इसकी मैरिनेशन का मसाला तैयार किया है उसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी फ्लेम, और अब फ्लेम लगाने के बाद ओवरनाइट में इसको रखूंगी फ्रिज में। तो जो मैंने मैरिनेशन करके रान की फ्रिज में रखा था तो इसको तकरीबन 12 आवर्स हो गए हैं और मैंने अभी 1 आवर्स पहले जो है तो फ्रिज से निकाल लिया था ताकि जो इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो इसलिए 1 आवर मैंने
इसको पहले निकाला है, तो अब इसको मैं शिफ्ट करूंगी इस ट्रे में। और मसाला इसके ऊपर डाल दूंगी। अब जी मैंने जो है मटन लेग इसमें शिफ्ट कर दिया है, अब मसाला जो था वो भी इस पे डाल दिया है, और अब 1 कप के करीब इसमें डालूंगी पानी। और ये लगा दूंगी इसके ऊपर फॉइल। और अब फॉर्क की मदद से इसमें होल पंच कर दूंगी। और जो ये हमारे पास थोड़ा सा मसाला बच गया है तो इसमें डाल दूंगी बेल पेपर, रेड में भी और ग्रीन में भी काट लिए, थोड़ा सा इसमें मसाला जो है अच्छी तरीके से लग जाएगा, और फिर मैं इसको थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लूंगी। मैंने ओवन को 250 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था, और अभी जो है मैंने इसके अंदर रान को रख दिया है, और मैं 30 मिनट के बाद इसको चेक करूंगी। तो अब 40 मिनट हो गए थे इसको, मैंने इसको निकाल लिया है, अब देखती हूँ कि इसका क्या सिचुएशन बनी है। जी ये एक साइड से तकरीबन हो गया है, तो अब मैं इसको दोबारा दूसरी साइड से टर्न करूँगी। और अब इस साइड से मैंने इसको टर्न कर दिया है, और तकरीबन 30 मिनट के लिए रखूँगी। अब जो ये मसाला है इसमें मैंने ये पोटैटोज़ काट लिए हैं, और इनमें थोड़ा नमक और हल्का सा ऑयल लगा दिया है, स्प्रे बल्कि ऑयल का किया है, तो ये भी रख दूँगी। तो जितने देर में इस साइड से होगा साथ ही हमारे पोटैटोज़ भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो अब इस पे मैंने दोबारा से फॉइल कर दिया इसको, फॉइल से कवर, तो अब इसको मैं दोबारा रख दूंगी ओवन में। बहुत अच्छे तरीके से ये टेंडर हो गया है, और साथ जो मैंने पोटैटोज डाले हैं ये भी गल चुके हैं, ये देखें। और अब इनको मैं ऑफ कर लूंगी, और इस पे लगाऊंगी ब्रश से ऑयल, और 5 मिनट के लिए इसको मैं रखूंगी। और अब इसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ ऑयल, और 5 मिनट के लिए इसको मैं दोबारा रखूंगी, और अब मैं इसके ऊपर फॉइल नहीं लगाऊंगी। तो ये मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल के डाला है, कुकिंग ऑयल, और जो मैंने आपको बताई थी बेल पेपर जो मैंने मसाले में डाल के रखी थी, तो अब इसको कर लूँगी थोड़ा सा ताकि ये क्रंची सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको रान के साथ नहीं डाला था और पोटैटोस के साथ भी नहीं डाला था, कि ये मैं इस तरह कर दूँगी 5 मिनट के लिए रखूँगी, तो फिर ये क्रंची से बनेंगे तो ये भी साथ टेस्टी लगते हैं। अब जी इसका टाइम हो गया है 5 मिनट, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये लें जी हमारा मज़ेदार सा रान रोस्ट हो गया तैयार, और जब तक हमारा रोस्ट हो रहा था तैयार तो साथ मैंने चावल भी बना लिए थे, मैंने चटनी भी बना ली थी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।